ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो यहां पर इससे पहले हमने देखा किस प्रकार भगवान स्वयं अपने सिंहासन से इस सातवें द्वार पर आए, जहां पर इन चार कुमारों को रोका गया था। और ये चार कुमार अत्यंत दुखी थे, अत्यंत क्रोधित थे, क्योंकि ये भगवान के दर्शन प्राप्त करना चाहते थे। तो स्वयं भगवान द्वार पर आकर के अब इन चार कुमारों को दर्शन दे रहे। दर्शन भगवान के करने के उपरांत उनका सारा जीवन उसमें पूर्ण रूप से बदलाव आया। क्या बदलाव आया? सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये आया, ये चारों कुमार ये पहले सोचते थे, इनके अनुसार भगवान जो है उसका कोई रूप नहीं है, भगवान निराकार है। इस प्रकार का उनका साक्षात्कार था। भौतिक संसार से इनका कोई लगाव नहीं था। ये आत्म साक्षात्कार कर चुके थे, लेकिन इनका साक्षात्कार पूर्ण नहीं था, अपूर्ण था, नॉट कंप्लीट। जो उन्होंने साक्षात्कार किया उसके अनुसार इनको यह समझ में आ गया कि मैं आत्मा और भौतिक पदार्थ दोनों अलग हैं। आत्मा अलग है, ये शरीर अलग है, ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। लेकिन उन्हें यह ज्ञान नहीं था कि आत्मा से भी ऊपर परमात्मा है और परमात्मा से भी ऊपर स्वयं भगवान है। क्योंकि भागवत में बताया है भगवान का साक्षात्कार तीन स्तर पर होता है, पहला, दूसरा और अंतिम तीसरा। वदन्ति तत्तत्वविदस्तत्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। जो महान ऋषिगण हैं, महान संत हैं, वदन्ति, उन्होंने बताया है। क्या बताया है? तत्त्वं, तत्व क्या है, ट्रुथ क्या है? ब्रह्मेति, सबसे पहला भगवान का साक्षात्कार
ब्राह्मण के रूप में होता है। ब्राह्मण का मतलब होता है केवल ब्रह्म ज्योति। अगर किसी व्यक्ति के शरीर से कांति निकलती है, ज्योति निकलती है, जैसे सूरज है, अभी सूरज उदय हो चुका है, जब तक सूरज से कांति नहीं निकलती हम लोग देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज की किरणें निकलती हैं, उस किरणों के द्वारा सूरज स्वयं ढक जाता है, हम नहीं देख सकते हैं, है ना। आप देखने का प्रयास कीजिए, बड़ा मुश्किल है। इसी प्रकार भगवान के शरीर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति, जैसे सूरज से किरण निकलती है, भगवान के शरीर से पर्सनल रूप से जो ज्योति निकलती है उसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, उसे ही ब्रह्मन साक्षात्कार कहते हैं। जिन व्यक्तियों ने, जिन संतों ने, जिन महान पुरुषों ने भगवान के इस तत्व को समझ लिया है, ब्रह्म ज्योति का ज्ञान साक्षात्कार जिन्होंने कर लिया है, उन्हें ब्रह्मावादी कहते हैं। ये अभी पहले स्तर पर है। मतलब क्या है, कई बार हम लोग सोचते हैं ना, भगवान निराकार है, भगवान जो निराकार है, जो भगवान का रूप, जो निराकार का रूप है, वो ब्रह्म ज्योति का रूप है। यस, भगवान एक रूप में निराकार है, वो है ब्रह्म ज्योति के रूप में। लेकिन उससे भी ऊपर जो है परमात्मा है। ब्रह्म ज्योति का मतलब क्या है, ब्रह्म ज्योति का मतलब होता है सब जगह व्याप्त है, इट इज स्प्रेड एवरीवेयर, सब जगह व्याप्त है। आप ये नहीं कह सकते इधर है, इधर है, इधर है, करेक्ट। ब्रह्म ज्योति जैसे आप देखिए, सूरज की रोशनी सब जगह व्याप्त है, लेकिन इससे जो ऊपर, जो अगला लेवल, अगले स्तर पर जो साक्षात्कार होता है, उसे कहते हैं परमात्मा साक्षात्कार, जिसमें हर एक जीव के हृदय में, हर एक अणु में हम कह सकते हैं भगवान अपने विष्णु रूप में, परमात्मा के रूप में विराजमान है। जिस रूप का ये चार कुमार दर्शन कर रहे हैं, भगवान के चतुर्भुज रूप में, उस रूप में, परमात्मा के रूप में भगवान सबके हृदय में विराजमान है। इसलिए कुंती महारानी क्या कहती है, अंतर बहिर अवस्थितम, भगवान आप सबके हृदय में भी हो, बहिर भी हो, बाहर भी हो। भगवान अंदर हृदय में कैसे है, परमात्मा के रूप में, बाहर कैसे है, हर एक अणु में भगवान परमात्मा के रूप में है। बाकी किस प्रकार से है भगवान हमारे हृदय से बाहर, ब्रह्म ज्योति के रूप में। तो परमात्मा भी नहीं दिखता है और भगवान की ब्रह्म ज्योति भी हमें नहीं दिख रही है। न लक्ष्य से मूढ़ा दृशा, जो मूर्ख लोग हैं, मूढ़ा दृशा, भागवत में भी मूढ़ा बताया है, यहां पे भी बताया है दुरात्मानम, जो दुरात्मा लोग हैं वो भगवान को अंदर भी नहीं देख सकते हैं, बाहर भी नहीं देख सकते हैं। इसका ऑपोजिट होता है महात्मा, जो भगवान को हर एक जगह पर देख सकता है, एवरीवेयर। हिरण्यकशिपु देखिए, वो प्रहलाद को कहता है कहां है तुम्हारा भगवान, अगर तुम्हारा भगवान है, क्या तुम्हारा भगवान इस
इस खंभे के अंदर में है? प्रहलाद कहते हैं, हां तुम्हारे हृदय में भी है और इस खंभे में भी है। और भगवान प्रहलाद के इन वाक्यों को पूरा करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मेरे भक्त ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, जब हिरण्यकश्यपु ने खंभे के ऊपर चोट मारी, भगवान उसी खंभे में से बाहर प्रकट हुए। तो देखिए, दुरात्मा जो है ना अंदर देख सकता है भगवान को, ना बाहर देख सकता है। भगवान का भक्त जो है वो हर एक जगह देख सकता है। ये भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। प्रभुपाद तात्पर्य में बड़ा सुंदर अर्थ समझा रहे हैं, महात्मा कौन है, दुरात्मा कौन है। तो भगवान हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, बाहर में अणु में परमात्मा के रूप में है, और अपने निराकार रूप में, अनमैनिफेस्टेड रूप में, ब्रह्मन के रूप में विराजमान है, ब्रह्म ज्योति। जिस प्रकार सूरज की किरणों पर सारे ग्रह टिके हैं, इसी प्रकार भगवान की ब्रह्म ज्योति के ऊपर ये सारे ब्रह्मांड टिके हैं। इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड के अंदर में सूरज मेन है, उस सूरज की किरणों पर सारे के सारे प्लैनेट्स, ग्रह टिके हैं। लेकिन वो ब्रह्मांड कहां पर टिके हैं? असंख्य ब्रह्मांड जो भगवान के शरीर के अंगों से निकलते हैं, जो भगवान के श्वास से निकलते हैं महाविष्णु के रूप में, ये सारे भगवान की ब्रह्म ज्योति के ऊपर टिके हुए हैं, सारे ब्रह्मांड। तो ये भगवान का निराकार रूप है। तो कुमारों में क्या बदलाव आया? उनके पिताजी ने, ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया था, पुत्रों भगवान का पहला आकार निराकार है, जब तुम पहले साक्षात्कार करोगे वो ब्रह्मन है। इससे पहले, भगवान के दर्शन करने के पहले, ये चार कुमार, इनका आत्म साक्षात्कार हुआ है, इनका भौतिक संसार से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये वस्त्र भी नहीं पहनते हैं, क्योंकि कोई आसक्ति नहीं है संसार से। लेकिन अभी तक इनको ये ज्ञान नहीं था, केवल उन्होंने पिताजी से सुना था कि ब्रह्मन है, उसके ऊपर परमात्मा है जो सबके हृदय में विराजमान है, और परमात्मा के भी सोर्स, उसको भी जन्म देने वाले भगवान है। तो अब उन्होंने जो है साक्षात वो परमात्मा जो सबके हृदय में विराजमान है विष्णु के रूप में, उन्होंने जो है अब भगवान के दर्शन किए। तो अब उनके मन में क्या बदलाव आया है, उनकी चेतना में क्या बदलाव आया है? उनकी ये समझ में आ गया है, भगवान निराकार नहीं है, भगवान का रूप है, दिव्य रूप है भगवान का। तो अब ये भगवान के दिव्य रूप के दर्शन कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कुमार जो है, कुमारा ऊचुहु, भगवान के दर्शन करने के बाद वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, यो अंतरहितो, अंतरहितो प्रभुपाद जी बताते हैं, जो भगवान हृदय के अंदर में छिपे हुए हैं, जो दर्शन नहीं, जिसके दर्शन हम नहीं कर पाते हैं। कोई देख सकता है? हार्ट सर्जन सर्जरी करते हैं, हार्ट के अंदर में भगवान दिखाई देता है, परमात्मा दिखाई देता है, आत्मा दिखाई देती है? नहीं। वेदों में तो बताया है, समाने वृक्षे पुरुषो दिमग्न, मतलब एक ही वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं, ये उदाहरण दिया है उपनिषद के अंदर में। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं ना, पेड़ की डाल के ऊपर दो चिड़िया बैठी है,
लेकिन ये दोनों चिड़ियाओं में अंतर बताया है, एक आत्मा है एक परमात्मा है। अंतर क्या बताया, देखिए बड़ा सुंदर अंतर बताया है, आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। एक चिड़िया जो है वो एक डाल से दूसरी डाल पर जा रही है, एक डाल से दूसरी डाल पर जा रही है, कभी खट्टे फल खा रही है, कभी कड़वे फल खा रही है, कभी मीठे फल मिल रहे हैं उसे। लेकिन जो दूसरी चिड़िया है, जो दूसरा पक्षी है, उसे इन फलों को खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो केवल देख रहा है। अनुमंता उपदृष्टा, परमात्मा के रूप में जो उदाहरण दिया है, वो जो दूसरी चिड़िया है, जो दूसरा पक्षी है, वो क्या कर रहा है, केवल विटनेस है। हम क्या कर रहे हैं भगवान देख रहा है। हम लोग कहते हैं ना भगवान देख रहा है। एक बार एक किसी ने मुझे एक मैसेज में भेजा था, एसएमएस में, एक जोक था कि एक मंदिर में एक जगह पर जो है कुछ फ्रूट्स वगैरह रखे हुए थे, तो सबको कहा गया था एक 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 एक, सबके लिए एक एक है, सब लोग एक एक लेकर के जाइए, और वहां पे नोटिस लगाया था, प्लीज टेक ओनली वन, भगवान देख रहा है। तो जो दूसरी जगह पर रखे थे, क्योंकि वो नोटिस तो उधर लगा हुआ था और बाकी जगह पे भी रखे हुए थे, तो एक मूर्ख व्यक्ति सोचता है नहीं यहां से ले ले, तो यहां नहीं देख रहा है भगवान। वहां पे लिखा है भगवान देख रहा है, यहां पर नहीं लिखा है। तो एक्चुअली जब हम लोग कहते हैं भगवान देख रहा है का मतलब क्या है, भगवान विटनेस है, उपदृष्टा। हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, अगर हम उसका फल भोग रहे हैं, विटनेस जरूर होना चाहिए। बिना विटनेस के कोई पनिशमेंट नहीं मिलती है। किसी भी कोर्ट के अंदर में भी कोई अपराधी है, जज पहले विटनेस पूछता है, कौन है विटनेस, अगर विटनेस नहीं है तो उसे छोड़ भी दिया जाता है। सबूत चाहिए, हमारे सारे कर्मों का सबूत परमात्मा है, जो सबके हृदय में विराजमान है, सब देख रहा है भगवान। इसलिए हमें नहीं सोचना चाहिए चलो मंदिर में तो चैंटिंग कर लूंगा, घर में क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब चल जाएगा, नहीं, भगवान सब देख रहा है, यह हमें पता होना चाहिए। तो इसे कहते हैं उपदृष्टा, भगवान विटनेस है, साक्षी है। भगवान की एक, आपने सबने देखी होगी, उड़ीसा में भगवान की एक विग्रह है, उनका नाम क्या है, साक्षी गोपाल। एक वृद्ध ब्राह्मण था, एक यंग ब्राह्मण था। जो यंग, जो नवयुवक था, उसने एक वृद्ध ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर लेकर के गया था उड़ीसा में। तो वहां पर तीर्थ यात्रा करने के बाद में, वृंदावन में तीर्थ यात्रा करने के बाद में, वो वृद्ध ब्राह्मण बड़ा खुश हो गया और उसने कहा कि मैं गोपाल जी के सामने कहता हूं कि मेरी पुत्री का विवाह मैं तुमसे करूंगा, मैं अपनी पुत्री तुम्हें प्रदान करूंगा। इस नवयुवक ने कहा मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं, आप एक धनवान ब्राह्मण हैं, आप एरिस्टोक्रेटिक हैं, आपका जन्म उच्च कुल में है, मेरा जन्म जो है नीच कुल में है, उस प्रकार से मैं दरिद्र हूं। तो क्या आपको लगता है कि आप अपनी बेटी आप मेरे को दे सकेंगे। उसने कहा उसकी आप चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। तो भगवान के सामने उन्होंने जो है साक्षी भगवान को बना करके ये वचन दिया। लेकिन घर जाने के बाद में उसका बेटा जो था नालायक था, उसके बेटे ने कहा पिताजी
अरे वो तो भगवान की तो पत्थर की मूर्ति है, साक्षी दिया, तो क्या तुम्हें लगता है कि वहां से भगवान जो है साक्षी होकर के यहां पर साक्षी देने के लिए आएंगे, विटनेस देने आएंगे? तुम बोल दो कि मैं भूल गया, मुझे कुछ याद नहीं है। अगर साक्षी है भगवान तो साक्षी भगवान को बुलाओ, ऐसा कहकर के जो है उसने टाल दिया। और अपने भक्त के वाक्य को पूर्ण करने के लिए भगवान वृंदावन से लेकर के उड़ीसा में आए साक्षी देने के लिए, इसलिए भगवान का नाम जो है वहां पर साक्षी गोपाल पड़ा है। आज भी अगर आप जाते हैं तो आप भगवान साक्षी गोपाल के दर्शन वहां पर कर सकते हैं। तो भगवान हृदय में विटनेस साक्षी के रूप में भगवान यहां पर है, विराजमान है हृदय में परमात्मा के रूप में। दूसरा भगवान का कार्य हृदय के अंदर में है अनुमंता। अनुमंता मतलब हमारे कर्म के अनुसार भगवान हमें प्रदान करता है, अनुमति देता है। हम कुछ चाहते हैं, कुछ डिजायर करते हैं, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो भी सुविधाओं की जरूरत है भगवान वो सुविधाएं प्रदान करता है। तो भगवान के दो कार्य परमात्मा के रूप में क्या है जो भगवद गीता में बताए हैं, उपदृष्टा अनुमंता। भगवान विटनेस है, साक्षी है, और भगवान हमारे कर्म के अनुसार जो हमें भुगतान करना है, पाप कर्म उसके फल भोगने हैं, पुण्य कर्म के फल भोगने हैं, या जो हम इच्छा करते हैं उसको पूर्ण करने के लिए भगवान जो है अनुमंता, अनुमति भगवान देते हैं। एक व्यक्ति इच्छा करता है, मैं डाका डालना चाहता हूं, चोरी करना चाहता हूं, मर्डर करना चाहता हूं, भगवान ना चाहते हुए भी अनुमति प्रदान करता है। ये भगवान अनुमंता के रूप में, उपदृष्टा के रूप में, परमात्मा के रूप में विराजमान है। और उससे भी ऊपर जो है साक्षात्कार होता है भगवान का, अपने षड ऐश्वर्य पूर्ण कृष्ण के रूप में। तो आज के श्लोक में यह बताया गया है कि किस प्रकार चार कुमारों को पहले जो साक्षात्कार था उनके अनुसार उनको ये लगता था कि भगवान निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान के अंदर में कोई क्वालिटीज नहीं है। लेकिन आज उन्होंने जब साक्षात भगवान के अद्याह यहां पर कहा है, देखिए वो क्या कह रहे हैं, यो अंतर हितो हृदय गतो। भगवान हृदय में विराजमान है, हृदय गतो मतलब हृदय में भगवान विराजमान है, लेकिन फिर भी क्या है, अंतर हितो, फिर भी भगवान किसी को दिखते नहीं है, अनमैनिफेस्ट है, भगवान को नहीं देख पाते हैं। किन कौन लोग नहीं देख पाते हैं, दुरात्मानम, दुरात्मा लोग नहीं देख पाते हैं। लेकिन अपने बारे में वो अभी क्या बता रहे हैं, यो अद्य, लेकिन आज के दिन यो अद्य नहा, नहा मतलब हम, नयन मूलम अनंतराध्याय, हे जो भगवान अनंत भगवान है, साक्षात नयन मूलम, हमारे आंखों के सामने फेस टू फेस भगवान खड़े हैं, हम भगवान के दर्शन अब कर पा रहे हैं। वो कह रहे हैं आगे क्या बता रहे हैं, वो कहते हैं यर्हि एव कर्ण विवरेण गुहाम गतो नहा। ये ज्ञान ब्रह्मा जी ने, हमारे पिताजी ने हमें पहले भी दिया था, हमने अपने कानों से सुना था, जो कानों से सुना था आज हम लोग आंखों से देख पा रहे हैं, ये हम सब लोग भी कर सकते हैं, केवल कुमार ही नहीं। कुमारों ने अपने पिताजी से सुना था, हम लोग भागवत से सुन रहे हैं, हम लोग प्रभुपाद जी से सुन रहे हैं कि हम भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं।
किसी एक बार अमेरिका में प्रभुपाद जी से इंटरव्यू करते हुए किसी ने कहा, स्वामी जी डू यू सी गॉड, क्या आपको भगवान दिखाई दे रहे हैं? प्रभुपाद जी ने कहा, नॉट ओनली आई कैन शो यू गॉड, न केवल मैं, प्रभुपाद जी कहते तुमको भी मैं भगवान के दर्शन करा सकता हूं। तो भगवान के दर्शन किसी एक व्यक्ति दो व्यक्ति के लिए नहीं है, वेदों के अनुसार हम सब भगवान के दर्शन करके भगवान के संग में भगवान की सेवा हम जो है कर सकते हैं फेस टू फेस। जैसे हम लोग यहां पर आपस में बैठे हैं, किसी को कोई मन में डाउट है, अरे मैं जो देख रहा हूं वह सही नहीं है, हमको पता है नहीं, ये यहीं पर बैठे हैं, ठीक इसी प्रकार भगवान के साक्षात्कार फेस टू फेस हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं कि भगवान का रूप है, किस प्रकार का रूप है, सब जो है जो वेदों में बताया है उसके दर्शन कर सकते हैं। तो कुमार यहां पर कह रहे हैं, यो अंतर हितो हृदय गतो अपि दुरात्मानं त्वं सो अद्वय नो नयन मूलम अनंतराद्दः यर्हि एव कर्ण विवरेण गुहां गतो नः पित्रानुवर्णिता रहा भवद उद्भवेन। जैसे हमारे पिता ब्रह्मा जी ने भगवान का विवरण दिया था, वो आज हम साक्षात अपनी आंखों से स्वयं देख पा रहे हैं। प्रभुपाद बहुत सुंदर ट्रांसलेशन करते हैं, उसको मैं हिंदी में बताता हूं। कुमारा सेड, कुमारों ने कहा, अवर डियर लॉर्ड, हमारे प्रिय भगवान, यू आर नॉट मैनिफेस्ट टू रैस्कल्स, आप दुरात्मा लोग जो मूर्ख है मूढ़ा है आप जो है उनके सामने प्रकट नहीं होते हैं। इवन दो यू आर सीटेड विद इन द हार्ट ऑफ एवरीवन, जबकि आप उनके हृदय में विराजमान हैं, लेकिन फिर भी आप उनके सामने प्रकट नहीं हैं, वो आपके दर्शन नहीं कर सकते हैं। बट एज फार एज वी आर कंसर्न, लेकिन अगर हमारे बारे में बताया जाए, वी सी यू फेस टू फेस, आज हम आपको जो है आंखों के सामने बिल्कुल साक्षात देख रहे हैं, आप साक्षात हमारी आंखों के सामने प्रकट हैं। ऑल दो यू आर अनलिमिटेड, आप हमारे सामने प्रकट हैं, लेकिन फिर भी आप अनलिमिटेड हैं, अनंत हैं। ये हमें नहीं समझना है मैं आपको भी देख रहा हूं भगवान को भी देख रहा हूं, दोनों का देखना एक बराबर है, नहीं। भगवान हमारी आंखों के सामने प्रकट भी है, लेकिन फिर भी भगवान अनंत है। ये भगवान की कृपा है, भगवान अनंत होकर के भी यशोदा माई की रस्सी के द्वारा बंध जाते हैं। अनंत भगवान जो है यशोदा माई की लिमिटेड एक छोटी सी रस्सी के द्वारा बांध लिए जाते हैं। भगवान ने पहले दिखाया नहीं, मैं रस्सी से नहीं बंधता हूं। बहुत कोशिश की यशोदा माई ने, घर में जितनी भी रस्सियां थी सारी लेकर के आ गई, लेकिन भगवान ने दिखाया नहीं, मैं अनंत हूं, ऐसे नहीं बनता हूं, अनंत को कोई नहीं बांध सकता है, लेकिन प्रेम रूपी रस्सी के द्वारा बांध सकते हैं। ये भगवान ने जो है दिखाया, मतलब महात्मा और दुरात्मा में दोनों में अंतर है। महात्मा की क्या डेफिनेशन है? महात्मनस्तु माम पार्था देविं प्रकृतिमाश्रिता, बड़ा सुंदर है। अभी देखिए ये 9वें अध्याय में आता है, 9th चैप्टर में है, ठीक है। भगवान उसमें बताते हैं, जो 9वां चैप्टर है भगवान उसमें क्या कहते, देखिए, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्ता मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानी न चाहम तेषु अवस्थितः। भगवान कह रहे हैं, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त रूप में
ये सारा जगत मेरे ऊपर टिका हुआ है अव्यक्त रूप में, क्योंकि भगवान हमको दिख नहीं रहा है। इसलिए नास्तिक लोग क्या बोलते हैं, कहां है भगवान, क्योंकि उनको पता नहीं कि अव्यक्त रूप में भगवान मौजूद है। भगवान इन मूर्ख लोगों को दर्शन क्यों देगा? अगर एक राष्ट्रपति इस संसार में, एक राष्ट्रपति देखने के लिए, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए कुछ योग्यता की जरूरत है, क्या भगवान से मिलने के लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं? यह हमें समझना है। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, भगवान भगवत गीता में स्वयं कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं। क्यों? योग माया समावृतः, मेरी जो योग माया है उसके कर्टन से मैं कवर्ड हूं। ये उदाहरण प्रभुपाद सरल सा उदाहरण देते, बहुत बार देते हैं, बड़ा सुंदर उदाहरण है समझने के लिए। ये देखिए, जब तक कर्टन है, जब तक कर्टन है तब तक आपको भगवान के दर्शन नहीं होंगे। जब तक हमारी आंखों के सामने योग माया का ये कर्टन लगा हुआ है, ये पर्दा लगा हुआ है, तब तक भगवान के दर्शन नहीं मिलेंगे। वो योग माया का कर्टन क्या है? अविद्या। भगवान की जो माया की शक्ति है, इल्यूजरी एनर्जी, जिससे हम भ्रम में चले जाते हैं। इल्यूजरी एनर्जी का मतलब अगर आपको समझना है, बड़ा सरल से समझाता हूं, ये प्रभुपाद उदाहरण देकर के बताते हैं। एक आदमी जब दारू पी लेता है, क्या वो रियलिटी देखता है? मद हो जाता है, पागल हो जाता है। पागल होने के बाद में कहीं पर देखेगा, उसको बोलेगा ये मेरा घर है, ये मेरा महल है, ये मेरी रानी है, है ना? इसी प्रकार से जीव जब मद हो जाता है तब कहता है ये शरीर मैं हूं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, मेरी बिल्डिंग है, इतना पैसा मैंने कमाया है, सब मद में, सब इल्यूजन में है। ये भगवान की इल्यूजरी एनर्जी, माया शक्ति का प्रभाव है। ये पर्दा जब तक लगा रहेगा तब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे, रियलिटी हमें नहीं मिलेगी। जब हम महात्मा बन जाएंगे तब ये पर्दा निकल जाता है, तब भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। और महात्मा बनने का तरीका क्या है? क्या बड़ा कठिन है? महात्मा बनने का तरीका कठिन नहीं है। एक छोटे से छोटा बालक, जैसे ध्रुव महाराज एक छोटे बालक मात्र थे, लेकिन डिटर्मिनेशन था, नारद मुनि के कहने पर भगवान के नाम का जप किया, उन्होंने भी साक्षात भगवान के दर्शन किए। भगवद गीता में भगवान भी कहते हैं सुसुखम कर्तम अव्ययम। महात्मा बनने के लिए हमें पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है, एक टांग पर खड़ा होकर के आसमान में हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। मंदिर में आओ, भगवान का कीर्तन करो, मन के साथ में भगवान के नाम का जप करो, भगवान के दर्शन करो, ऑटोमेटिकली माया का कर्टन निकल जाएगा, साक्षात भगवान के दर्शन हो, तब हमें पता लगेगा भगवान का नाम भगवान, उसमें कोई अंतर नहीं है। भगवान की विग्रह भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान एब्सोल्यूट है। तो भगवद गीता में क्या कहा है? सुसुखम। भक्ति जो है बड़े आनंद के साथ की जाती है। आनंद में हम लोग क्या करते हैं? गाते हैं, नाचते हैं। जब आनंद आता है, जब हम लोग खुश होते हैं, क्या करते हैं? नाचते हैं और गाते हैं। भक्ति भी यही है, भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, गाते हैं। और जब भक्त लोगों को आनंद होता है तो क्या करते हैं? नाचते हैं। सुसुखम कर्तुम अव्ययम। और ये जो प्रोसेस है ये व्यय नहीं है, इट इज अनलिमिटेड, सनातन है। तो ये भगवान के भक्ति का मार्ग है। अगर हम इसको फॉलो करेंगे महात्मा बन जाएंगे, नहीं करेंगे दुरात्मा बने रहेंगे। चॉइस हमारी है। और महात्मा बनने का सबसे सरल तरीका है, देखिए, भक्ति करने का सबसे सरल तरीका है सत्संग। और कुछ नहीं चाहिए, बड़ी बड़ी किताबें नहीं चाहिए, बड़े बड़े वेद पुराण नहीं चाहिए, भक्तों का संग करो ऑटोमेटिकली।
जैसे कोरोना महामारी फैलती है ना, एक दूसरे से फैल जाती है, एक के संग में दूसरे के संग में, ये भगवान की भक्ति इस प्रकार से है, वेरी कंटेजियस है। हम देखते हैं बड़े बड़े दुरात्मा भी महात्मा बन जाते हैं। नारद मुनि के संग में मृगारी जैसा दुरात्मा महात्मा बन गया। हरिदास ठाकुर के संग में एक वैश्य भगवान की भक्त बन गई। ये भगवान के संग के, भगवान के भक्तों के संग का महत्व है। तो दोनों में अंतर क्या है देखिए, मैंने आपको बताया भगवान की महामाया हमको कवर करती है, भगवान की अंतरमाया वो हमारी आंखों को खोलती है, वो पर्दे को निकालती है और आंखों को खोलती है। तब हम लोग सब सोचेंगे नहीं मैं तो देवी, भगवान की देवी प्रकृति के आश्रय में हूं। नहीं, अगर देवी प्रकृति के आश्रय में है उनके कुछ लक्षण हैं, माया प्रकृति के आश्रय में है उनके अलग लक्षण हैं। एक आदमी जिसको कोरोना है उसके लक्षण अलग हैं, जो हेल्दी है उसके लक्षण अलग हैं। कोरोना वाला खांसता रहेगा, है ना, बुखार आएगा, आप देख सकते हैं नेट में जाएंगे तो सिम्टम्स मिल जाएंगे आपको। हेल्दी आदमी में वो सिम्टम नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम दुरात्मा है तो हमारे लक्षण अलग होंगे, हम कहेंगे कौन भगवान, कहां भगवान, कैसा भगवान, भगवान का कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, भगवान निराकार है, मैं ही भगवान हूं, ये दुरात्मा के लक्षण है। और महात्मा के लक्षण यहां पर हम लोग देख सकते हैं, क्या है महात्मा के लक्षण, भगवान से प्रार्थना करें, भगवान साक्षात आपके दर्शन हो रहे हैं, जो मेरे पिताजी ने, जो हमारे पिताजी ने बताया था आपका रूप है, आप इतने सुंदर हैं, वो आज हम साक्षात अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये महात्मा है। तो भगवद गीता में क्या बताया, महात्मा नाम ही माम पार्था देवीम प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते माम, क्या है वो अनन्य मनसो नात्वा भूतादिम अव्ययम। भगवान कहते हैं जो महात्मा है वो अनडिविएटेड, बिना किसी डिविएशन के, बिना भटके हुए, दूसरे रास्ते पर बिना भटके हुए, अनन्य मनसो, अनन्य मनसो का मतलब है एकाग्र मन से। ये नहीं कि भगवान की उपासना भी कर रहा हूं, देवताओं की भी उपासना करूंगा, क्योंकि कई बार हो सकता है भगवान प्रोटेक्शन नहीं देगा, शायद देवता लोग काम आ जाएंगे, वो नहीं है ना। जिस प्रकार से चेस्ट वाइफ होती है वो केवल अपने पति की तरफ देखती है, उसी प्रकार से हमें चेस्ट डिवोटी बनना है। ये नहीं कि भगवान भी है बाकी भी है, मेरा बैंक बैलेंस भी है वो भी काम आएगा, ऐसा नहीं, केवल भगवान की शरणागति, वो होता है महात्मा। और दुरात्मा का मतलब क्या होता है, जो महात्मा नहीं है, जो महामाया के अंतर्गत में है। सिंपल डेफिनेशन अगर आप समझना चाहो तो प्रभुपाद बोलते हैं जैसे क्रिमिनल डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट के सिविल डिपार्टमेंट में हैं वो आराम से जी रहे हैं, जो क्रिमिनल डिपार्टमेंट में हैं उनका हम लोग जीवन देख सकते हैं जेल के अंदर में। तो जो दुरात्मा लोग हैं वो भगवान की महामाया दुर्गा शक्ति के अंतर्गत में है। और उसके लिए भगवान क्या कहते हैं, मम माया दुरत्तया, इस भौतिक संसार के इस कारागार को पार करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक तरीका है, ममेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते, जो मेरी शरण में आ गया है तुरंत वो बाहर निकल जाता है। एक और बड़ा सुंदर श्लोक है जिसमें भगवान बताते हैं, जो भी मेरी अनन्य भाव से भक्ति कर रहा है तुरंत तीन गुणों के प्रभाव से बाहर आ जाता है। कौन बताएगा, भगवद गीता का श्लोक नहीं, कौन सा श्लोक है, माम चयो अव्य विचारे न भक्ति योगे न सेवते सगुणान सम्मयते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते।
जो भी भगवान की भक्ति में लगा हुआ है तुरंत तीन गुणों के प्रभाव से बाहर आ जाता है। तीन गुणों के प्रभाव से बाहर आने का मतलब क्या है? अब उसकी एक्टिविटीज दुर्गा के हाथ में नहीं है, राधा रानी के हाथ में है, भगवान की इंटरनल एनर्जी। देखिए दो ये शक्तियां हैं, सिंपल है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड दुर्गा के हाथ में है, इसकी इंचार्ज दुर्गा है। और दुर्गा क्या है? उनका आपने देखा होगा भाला है उनके साथ में, है ना, त्रिशूल है। त्रिशूल जिस प्रकार से दुर्गा जो है आपने देखा होगा दानव को त्रिशूल से मार रही है, इस भौतिक संसार में तीन प्रकार की थ्री फोल्ड मिजरीज जो हैं, आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि देविक, इन तीन क्लेशों से सारे जीव परेशान हैं। जैसे ही हम भगवान को सरेंडर करते हैं इस संसार से बाहर आ जाते हैं, भगवान की अंतरंग शक्ति के प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। श्रीमती राधा रानी जिसे भक्ति कहते हैं, भक्ति के प्रोटेक्शन में हम लोग जो है आ जाते हैं। मतलब क्या है? बाहरी रूप से कई बार लग सकता है कि भक्त भी सफर करता है, भक्त को भी दुख होता है, भक्त भी ये है, लेकिन उसकी एक्टिविटीज कर्म के अनुसार नहीं है। भक्त के दुख सुख, जैसे पांडवों ने भी दुख भोगे, कुंती महारानी ने भी दुख भोगे, लेकिन दोनों के दुखों में अंतर है। जब भक्त के जीवन में दुख आता है, भगवान चाहता है हम ये समझें भौतिक संसार दुखाल्य है, ये मेरा परमानेंट स्थान नहीं है, जेल मेरा परमानेंट घर नहीं है, जेल से बाहर आना है, भगवान ये चाहते हैं। और साथ साथ में ये भी समझे कि भगवान का जो दिए हुए, जो भक्त के जीवन में जो दुख आते हैं, भगवान के दिए हुए दुख नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान जो हमारे कर्म के अनुसार कुछ दुखों को छोड़ देते हैं, ताकि हम ये समझ पाएं कि दुखों में भी अगर हम भगवान, जितने ज्यादा भगवान की शरण में जाएं, उतनी ज्यादा हमारी भगवान के ऊपर निर्भरता बढ़ेगी, आवर डिपेंडेंस ऑन द लॉर्ड विल इंक्रीज। सो एक्चुअली वी शुड वेलकम, जब हमारे जीवन में बहुत खुशी खुशी आ जाती है तो हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। आपको करोड़ों की लॉटरी लग गई तब बोलेंगे भगवान हरे कृष्णा, हो गया, सब मिल गया काम, है ना। जब थोड़े दुख आते हैं तो भगवान की याद आती है कि नहीं? तब याद आती है। तो इसलिए थोड़े बहुत दुख भगवान जो है भक्तों के जीवन में रखता है, ताकि भगवान के ऊपर डिपेंडेंस, हमारे निर्भरता बढ़ती रहे। इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना में कहती है विपदा संतु ता शश्वत, हे भगवान जब तक दुख मेरे जीवन में थे आप हमेशा हमारे साथ में रहे। आपने देखा होगा पूरे महाभारत में पांडवों के साथ में हमेशा भगवान रहे, और भगवान जब दुख समाप्त हो गए भगवान कह रहे अब मैं जा रहा हूं, विदा लेकर के भगवान जा रहे हैं द्वारका की तरफ। तो कुंती महारानी कह रही भगवान इससे बढ़िया तो विपदा थी, जब दुख थे तो आप हमारे जीवन में सदा थे। विपदा संतु ता शश्वत, शाश्वत आने दो हमारे जीवन के अंदर में दुख, ताकि हमेशा आप हमारे साथ में रहेंगे। तो दुख सुख भी जो है भगवान का भक्त जो है वो फिर भी भगवान की भक्ति के अंतर्गत में ही है, हमें हमेशा ये समझना चाहिए। तो ये दुरात्मा और महात्मा में अंतर है, और आज के श्लोक में यही बताया गया है कि भगवान सबके हृदय में है, लेकिन दुरात्मा फिर भी भगवान के दर्शन नहीं कर सकता है, लेकिन भक्ति के द्वारा जिस प्रकार से कुमारों ने अपने पिता के सुनने पर उसका पालन किया, भक्ति का पालन किया, और उन्होंने भगवान के दर्शन किए, ठीक इसी प्रकार जैसे ब्रह्मा जी हैं, परंपरा में जो ज्ञान आ रहा है उसका हमें वो सुनना है, कानों से सुनना है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है, वो क्या कह रहे हैं, कौन बताया गया यहां पे? कर्ण क्या बताया है? कर्ण विवरेणा, पहले दर्शन नहीं मिलते हैं, पहले सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम लोग बोलते हैं
वेयर इज गॉड, हाउ इज गॉड, भगवान को देखना चाहता हूं, ऐसे नहीं दिखते हैं भगवान। यहां पे प्रोसेस बताया, कर्ण विवरेण, पहले भगवान के बारे में सुनो। कुमारों ने भी सुना, अपने पिताजी से सुना, उसके ऊपर अमल किया, भगवान की भक्ति की, बाद में भगवान के साक्षात दर्शन हुए। तो हमारे भी कान हमें जो है पॉलिटिकल न्यूज के लिए नहीं छोड़ने हैं, वो डेंजर है। ये कान के छेद जो हैं, इसमें अगर आप सत कथा भगवान की लगाओगे, हृदय में बदलाव आएगा, ये माया का पर्दा जाएगा। जितने ज्यादा हम लोग कानों को ग्राम्य कथा में लगाएंगे, वो पर्दा और ज्यादा बढ़ेगा, निकलेगा नहीं। इसलिए जो कान भगवान की कथाओं में सुनने के लिए नहीं लगाए जाते हैं, भागवत कहती है बिला, ये बिल्कुल सांप के बिल की तरह है, डेंजर है। सांप के बिल में कोई हाथ डालेगा, है ना, बड़ा मुश्किल है, डेंजरस है। इसी प्रकार जो लोग अपने कानों का इस्तेमाल ग्राम्य कथा के लिए करते हैं, वेरी डेंजरस। इसी कानों के द्वारा अगर हम लोग भागवत कथा सुनते हैं, भगवान के नाम को सुनते हैं, हमारे हृदय में प्रभाव आएगा, ये माया का कर्टन चला जाएगा, साक्षात भगवान के दर्शन हम कर सकेंगे। करें ग्रंथ राशि मद भागवतम की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की।